तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल गेमर YT। तो यार आज हम इस वीडियो के अंदर भाई ब्लॉक क्राफ्ट 3D की भाई आज हम विला बनाने वाले हैं भाई। बहुत अच्छा जो भाई विला बनने वाला है और भाई आप देख के हैरान हो जाओगे कि भाई बहुत लग्जरी टाइप का जो है आप ये विला बनाने वाला। और भाई ये जो भी मैंने चार ब्लॉक्स जो है मैंने चार ब्लॉक्स की लाइन बनाई है और भाई ये जो है 7 ब्लॉक्स यहाँ पे आएंगे बीच के अंदर। और भाई इसके बाद यहाँ पे जो है 3 ब्लॉक्स आएंगे ऐसे जो भाई हमें सी बना देना है। जैसे भाई मैं बना रहा हूँ ऐसे ही आप बनाना बिल्कुल, ताकि यार आपको जो है बनाने में आसानी हो। और भाई जैसे मैंने यहाँ पे सी बना लिया, अब इसके ऊपर एक और लेयर जो भाई ब्लॉक्स की आ जाएगी। तो गाइज अभी मैं इसको छोड़ता हूँ और भाई पहले स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देते, क्योंकि यार स्ट्रक्चर पहले अहम है, उसके बाद भाई फिर सारा जो है हम काम करना शुरू कर देंगे। और भाई ये सी है, इससे भाई आपको 4 ब्लॉक्स का जो है डिस्टेंस लेना, उसके बाद भाई 6 ब्लॉक्स की लेंथ में आपको ब्लॉक खोदने ने, मतलब 6 ब्लॉक जो है आपको खोदने, और भाई इस साइड पे जो है 3 ब्लॉक, ये मतलब ये मिला के 3 ही हो जाएंगे। और भाई ये पूरी सरफेस आपको खोद देनी है, मतलब 6 × 3 ब्लॉक्स की भाई आपको जो है सरफेस यहाँ पे खोद देनी है। तो गाइस फाइनली यार मैंने 18 ब्लॉक जो है लगा दिए, उसके बाद भाई हमें जो है एक और भाई लेयर बनानी है, उसके अंदर भाई हमें जो है 15 ब्लॉक्स लगाने और भाई 3 ब्लॉक जो है छोड़ देने, ताकि भाई हमारे सीनियर चलने की जगह हो। और भाई यहाँ पे जो है 3 ब्लॉक्स के जो मैं पिलर जो है हाइट पे खड़े करने, भाई 3 ब्लॉक्स की हाइट का भाई इसीलिए मैं घर बना लूँ, ताकि यार जो है करेक्टर जो है इसका ब्लॉक क्राफ्ट 3D का वो सही से आ भी पाता है और भाई सही भी लगता है 3 ब्लॉक्स का जी हाइट का। और भाई यहाँ पे भाई हमें ये करना है कि भाई 3 ब्लॉक्स की हाइट भाई यहाँ पे जो है 4 ब्लॉक्स पे रखनी है, और भाई उसके बाद जो है अगेन जो 4 ब्लॉक जो रह जाएंगे उसके ऊपर भाई 5 ब्लॉक की हाइट रखनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई जब मैं बनाऊंगा तो आपको भाई खुद ही समझ में आ जाएगा। तो यार जल्दी से बनाता हूँ आपके सामने और भाई आप देखते रहना, बहुत आसान है यार ये घर। और भाई ये देखो जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही बनाना, और भाई ये 5 ब्लॉक्स की हाइट पे मैं बना रहा हूँ, 5 ब्लॉक्स याद रखना भाई, 5 ब्लॉक्स की हाइट पे मैं बना रहा हूँ। और भाई आप जैसे मैं लगा रहा हूँ भाई ऐसे ही लगाना, आपको बहुत आसानी होगी। भाई देखो भाई पूरा हमारा जो है स्ट्रक्चर जो है रेडी हो गया। और भाई ये बीच के ब्लॉक थे ये भाई मुझे छोड़ देना, ताकि यार यहाँ पे जो है मुझे गिलास लगाने भाई गिलास बहुत अच्छे लगते हैं यार, इसीलिए मैं गिलास लगा रहा हूँ। अगर आपको कोई और चीज लगानी है, फेंस वेंस लगाने, तो भाई आप वो भी लगा सकते हो। तो गाइस फाइनली यार मैंने जो है पूरी वॉल्स वॉल्स सारी तैयार कर दी, और भाई इसके बाद जो है आपको 3 ब्लॉक्स की हाइट रखी थी भाई, उसके बीच में जो आपको भाई गिलास लगा देना, गिलास का कंट्रास्ट भाई बहुत अच्छा लगता है यार। अगर आपको गिलास नहीं लगाना तो आप नहीं लगाओ, अगर आपको फैंस अच्छे लग रहे हैं तो भाई आप फैंस भी लगा सकते हो। तो यार जैसे मैं गिलास लगा रहा हूँ, अगर आपको मेरे जैसा घर बनाना है तो भाई आप जो है गिलास सेम टू सेम लगाओ। और भाई ये जो मैंने 18 ब्लॉक्स की भाई एक जो है लेयर बिछाई थी सी आगे वाली, मतलब जो मैंने एक दो दो पार्ट थे इसके, एक जो राइट है राइट साइड वाला पार्ट था भाई, उसके ऊपर मैंने एक और लेयर बना दी। जो मैं आपको कह रहा था भाई सीढ़ियां बनेगी, वो भाई मैंने थोड़ी सी सीढ़ियां बना दी। और भाई ये हमारा बीच का हिस्सा आने वाला है भाई, उसके भाई हमारा विला बहुत अच्छा लगने वाला है भाई। हमें 7 ब्लॉक्स का जो है हमें हाइट रखनी है इसकी। आप बस ये ध्यान में रखना कि भाई ये जो आप अगर व्हाइट कलर का ब्लॉक का घर बना रहे हो, तो भाई आपको जो है ब्लैक कलर का, ये बीच में भी मैं बना रहा हूँ भाई, आपको ब्लैक कलर का बनाना है, क्योंकि भाई ये जो है बीच में अच्छा लगता है जब डार्क कलर का होता है। तो अगर आप भाई अगर डार्क कलर का नहीं बनाओगे तो भाई ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और भाई मजा भी नहीं देगा। तो आप समझ रहे हो ना बात को, ऐसे ही बनाना है आपको जैसे मैं बना रहा हूँ। अगर आप ब्राउन ब्लॉक से बनाओगे तो भाई यही वाला ब्लॉक चूज करना, अगर आप ब्राउन ब्लॉक से नहीं बनाओगे, व्हाइट ब्लॉक से बनाओगे, तो भाई ब्लैक ब्लॉक सर्च करना। ये भाई डार्क ब्लॉक मतलब जो कंट्रास्ट में आ रहा हो, डार्क ब्लॉक ऐसा ब्लॉक सर्च करना। यार जल्दी से मैं देखो यार ये बीच में पूरा बना देता हूँ भाई, उसके बीच में जो मैंने स्पेस छोड़ा है यहाँ पे भाई गिलास आएंगे और भाई अंदर जो है एक माले का जो है घर बन जाएगा, विला हमारा बहुत आलीशान विला बन जाएगा। यार इसको पूरा कंप्लीट करते हैं भाई, ये जो है पूरा हिस्सा भाई पूरा जो है ढक जाएगा यहाँ पे भाई, पूरा जो है सारे ब्लॉक्स लग जाएंगे। तो यार ये सारे ब्लॉक्स लगाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। 2 hours later. तो गाइस फाइनली यार मैंने जो है पूरा बीच का बना दिया, और भाई अभी जो मैंने व्हाइट ब्लॉक उठा लिया, व्हाइट ब्लॉक से भाई मैं अभी बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे जो भाई आपको जो है पूरे घर की बाउंड्री बना देनी है, बहुत अच्छी जो भाई कंट्रास्ट लगेगा भाई इसका। और भाई ये जो मैंने बीच के अंदर जो है अपने विले के जो बीच के तो जो मैंने एक चीज बनाई थी भाई, इसके बीच में जो मैंने स्पेस छोड़ा था उसके अंदर भाई मैंने गिलास लगा दिया। और भाई आपको जैसे छज्जा टाइप होता है ना, ये ऐसे आपको
आपको बनाना है ऐसे वाइट ब्लॉक का कंट्रास्ट यूज़ करना, बहुत अच्छा लगेगा यार वाइट ब्लॉक। मैंने भी वाइट ब्लॉक यूज़ करके देखा और भाई बहुत अच्छा जो है वाइट कलर लगा। अगर आपको सेम टू सेम मेरी तरह अगर बनाना है तो भाई आप वाइट ब्लॉक यूज़ करना, बहुत अच्छा जो है वाइट ब्लॉक होता है यार। जल्दी से ऊपर देखते हैं, ऊपर से भाई यहाँ से जो हमें एक और ब्लॉक लगाना है, और भाई यहाँ से पूरा जो ऐसे जैसे हमने ये पूरा बॉक्स की तरह बनाया है ऐसे भाई ये भी पूरा बॉक्स की तरह बनाया। तो यार जल्दी से यार इसको भी बना लेते हैं यार, ये भी आसान है जैसे भाई मैंने नीचे वाला बनाया। आपको बिल्कुल सेम टू सेम भाई इसको ऐसे ही बनाना है ताकि यार आपको जो बनाने में आसानी हो। और भाई ये नीचे से ही बन जाता है क्योंकि यार हम जो है बहुत ऊपर तक जो है ब्लॉक लगा सकते हैं ब्लॉक क्राफ्ट 3D में। बाकी माइनक्राफ्ट में ऐसा नहीं होता, माइनक्राफ्ट में भाई एक लिमिट होती है, लिमिट से बाहर भाई आप जो है ब्लॉक नहीं लगा सकते। यहाँ पे भाई आप नीचे खड़े होकर भाई ऊपर भी ब्लॉक लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है। आपको जैसे मैं बोल भाई जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही आपको बनाना है यार, बहुत अच्छा जो है घर बनने वाला है। और भाई यहाँ पे जो बीच में मैं ग्लास लगाने, तो गाइस फाइनली यार मैंने जो ग्लास के लिए जगह छोड़ी थी भाई मैंने वो ग्लास लगा दिए हैं। और भाई ये जो मेरा सीढ़ी वाली जगह भाई इसके ऊपर जो मुझे एक शेल्टर टाइप बनाना है। आप अगर बनाने नहीं आता तो यार आप देख लो, वरना तो भाई आप वीडियो स्किप भी कर सकते हो क्योंकि भाई ये आसान है। ये वीडियो शेल्टर आप ऐसे ही बना सकते हो यार, जैसे आपको ऊपर करना है और भाई दो तीन पिलर लेने, और भाई आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो यार जल्दी से मैं इसको बनाता हूँ भाई, उसके बाद फिर आपसे मिलता। तो भाई लोग फाइनली यार मैंने सीढ़ियों का जो है शेल्टर बना दिया। अभी भाई मुझे जो है डोर के लिए अपनी जगह लेनी है यार, जहाँ से मैं जा सकूँ अंदर बाहर हो सकूँ। यार जल्दी से मैं डोर के लिए जगह छोड़ता हूँ। और भाई यहाँ पे भाई मुझे डोर लगाना है, और भाई उसके बाद जो है मुझे भाई चलने की यहाँ पे जगह नहीं है यार, तो उसके लिए भाई मुझे एक फ्लोर भी बिल्ड करना पड़ेगा। जल्दी से यार अपना ब्लॉक्स उठाते हैं और भाई यहाँ पे जो है फ्लोर बिल्ड करते हैं। भाई ये इतना हार्ड नहीं है, ये तो बहुत आसान है, कोई भी भाई नूब से नूब बंदा भी भाई ये फ्लोर बना लेगा, ये तो भाई आसान है, ये बताने की जरूरत नहीं। भाई ऊपर जो है रूफ भी खाली, आपको भाई रूफ भी पूरा बनना पड़ेगा यार। जल्दी से मैं पूरा ये यहाँ पे ग्राउंड पूरा बना लेता हूँ, उसके बाद यार मैं पूरा रूफ भी बनाने जल्दी से यार ये बना देते हैं। और भाई ये एक ब्लॉक भाई ऊपर लग रहा है तो यार मैं इसको तोड़ देता हूँ और भाई यहाँ पे जो है एक ब्लॉक लगा देता हूँ। भाई इस ब्लॉक को भाई पूरा एक इक्वल कर देता हूँ। और भाई ये क्या हुआ भाई, मसला हो गया भाई, बीच के अंदर मैं गिर गया यार, अभी मुझे तोड़ के ही जाना पड़ेगा यार। उसके बाद भाई मैं ग्लास भी लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि यार मुझे परेशानी ना हो। फिर भाई लोग बोले हैं कि भाई ये जो आपने यहाँ पे ग्लास नहीं लगाया यार, देखो ग्लास भी लगा दिया। उसके बाद भाई मैं यहाँ पे आता हूँ और भाई यहाँ पे जल्दी से ब्लॉक्स लगा लेते हैं और भाई इसको पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं। भाई यहाँ पे कोने से जाते हैं और भाई कोने पर एक ब्लॉक लगाया, उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे, और भाई अभी पूरा कम्प्लीट कर लेते हैं भाई पूरा फ्लोर। तो भाई हमारा फाइनली यार कंप्लीट हो चुका है। और भाई इसके बाद भाई हमें रूफ देखना, भाई रूफ भी पूरा खाली हुआ हो, भाई यहाँ से जो है आसमान नजर आ रहा है पूरा। हमें भाई ये पूरा फिल करना है यार, पूरा उसको ना कवर करना है। जल्दी से यार मैं पूरा कवर कर लेता हूँ भाई। उसके बाद भाई लास्ट लुक देखता हूँ अपने घर की यार, कैसी जो है मेरे घर की लुक लग रही है यार। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि यार मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, बहुत बहुत मेहनत की है यार। ये घर जो है बहुत हार्ड था और भाई आप बनाओगे तो भाई आपको भी बहुत अच्छा लगेगा यार। ये मेरी पर्सनली यार फेवरेट घर है यार, बहुत अच्छा जो है घर बना है। इसका लुक देखो यार, लुक लग रहा है यार, पूरा विला लग रहा है। और भाई आप चाहो तो भाई नीचे जो है ग्रास भी लगा सकते हो, ग्रास भी बहुत अच्छी होती है भाई। लीव्स होते ना यार माइनक्राफ्ट में जो होते हैं यार, दरख्तों के लीव्स होते हैं, वो आप लगा सकते हो यार, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। और भाई यहाँ पे भी मैं भाई फेंस लगा देता हूँ क्योंकि यार ये जो है भरा भरा भाई देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ पे भी फेंस लगा देता हूँ। जल्दी से फेंस उठाता हूँ, फेंस तो भाई मेरे पास ही पड़े हुए, जल्दी से यार फेंस लगा देता हूँ। भाई साहब बहुत अच्छा जो हमारा घर बन गया है यार, क्या लुक आ रहा है यार। अगर आपको ये घर पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करो और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना याद से भाई। और भाई ऐसे ही ब्लॉक क्राफ्ट 3D की भाई मजेदार मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो ताकि जैसे ही हमारी ब्लॉक क्राफ्ट 3D की वीडियोस आए आप तक भी नोटिफिकेशन पहुंचे। यार यहां तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग यार, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो और भाई अल्लाह हाफिज। और भाई नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पे क्लिक करो, बहुत अच्छी वीडियो है।